गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 1 जून 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में बैन किए गए तंबाकू गुटखा उत्पादों की बिक्री पर तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा बैन किया गया। तो जानते हैं इसे डिटेल पॉइंट्स की ओर। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, और यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा टोबैको, जितने भी वैसे प्रोडक्ट है जिसमें निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, उसको बैन किया गया तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा अगले एक सालों के लिए। यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 के खंड 1 के तहत खाद्य सुरक्षा और मानक, जिसे बिक्री का निषेध और प्रतिबंध भी कहा जाता है, इस विनियम 2011 के विनियमन 2.3.4 के संयोजन में लगाया गया है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में हाल ही में एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का शुभ आरंभ हुआ। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय आर्म रेसलर्स ने हाल ही में संपन्न एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में 7 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक हमारे भारतीय टीम को मिली है। एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इसका आयोजन किया गया, जिसमें हमारे भारत आर्म रेसलर के द्वारा 1 गोल्ड और 6 ब्रॉन्ज मेडल के साथ ये विनिंग टीम बनी रही। साथ ही साथ श्रीमत झा का प्रदर्शन भारत के लिए अग्रणी रहा। उन्होंने बाएं हाथ की पैरा श्रेणी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीती है। ये फैक्टर्स याद रखना होगा, श्रीमत झा के द्वारा उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल। साथ ही साथ बाद में उन्होंने दाएं हाथ के पैरागर में अपने खाते में एक और कांस्य पदक भी जोड़ा। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। श्रीमत झा से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर क्वेश्चंस में ये आएगा कि श्रीमत झा किस गेम से बिलोंग रखते हैं, तो आपको राइट आंसर लगाना होगा आर्म रेसलर, जिसे हम लोग आर्म रेसलिंग भी कह सकते हैं। और साथ ही साथ लक्ष्मण सिंह भंडारी ने मास्टर वर्ग में 2 कांस्य पदक भी जीते। फुटबॉल लीग में बड़ौदा एम्पर फ्रेंचाइजी की सितारों में से एक और सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय सचिन गोयल ने प्रतिस्पर्धी राइट हैंड सीनियर वर्ग में कांस्य पदक जीता। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा श्रीमत झा के बारे में, और साथ ही साथ एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप जो उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजन किया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लाडियम सहयाड्रिकम कहाँ खोजी गई है? तो राइट आंसर होगा केरला। केरला में हाल ही में नया स्पेसिस जिसका नाम है ओडोक्लाडियम सहयाड्रिकम, इसकी प्रजाति है, तो एल्गी की प्रजाति है, इसको हाल ही में केरला में डिस्कवर किया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। टीम में मेरिन ग्रेस जीजी, बिनोएड टी थॉमस और थॉमस वीपी शामिल है। केरल राज्य के पथानामथिट्टा में कैथोलिक कॉलेज के वनस्पति विज्ञान विभाग ने कोल्लम जिले के कुंभबुरुती क्षेत्र के प्राकृतिक जंगलों में ओडोक्लाडियम सहयाड्रिकम नामक शैवाल प्रजाति की खोज की है। साथ ही साथ सहयाद्रिकम नाम पश्चिमी घाट को संदर्भित करता है, जिन्हें सहयाद्री के नाम से भी जाना जाता है, जो पौधों की विविधता में समृद्ध है और स्थलीय सूक्ष्म शैवाल के विकास के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है। यह खोज जैव विविधता की अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका ताइवान में प्रकाशित हुई। साथ ही साथ यह पहली बार है कि ओडोक्लाडियम जीनस की एक प्रजाति को केरल में दर्ज किया गया। शोधकर्ताओं ने नोट किया कि पश्चिमी घाट का एक हिस्सा केरल में अभी भी मिट्टी में रहने वाले हर फिलामेंट शैवाल के लिए अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया गया है।
तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना, और कि हाल ही में शोधकर्ताओं के द्वारा केरला में एक स्पेसिस एल्गी की खोजी गई है, उसका नाम दिया गया ओडोक्लैडियम कहयाड्रिकम। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रिलायंस भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ शुरू करेगा? तो राइट आंसर होगा चेन्नई। चेन्नई में हाल ही में पहली बार मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण रिलायंस के द्वारा किया जाएगा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। रिलायंस इंडस्ट्री जून में चेन्नई के पास मपेड्डू में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है, जिसकी परिकल्पना 12 साल पहले ही की गई थी। तिरुवल्लूर जिले में 184.27 एकड़ में फैली 1424 करोड़ रुपए की परियोजना अब कार्रवाई के लिए तैयार हो चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2022 में अडानी ग्रुप को पछाड़ते हुए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए बोली जीती, और पार्क का लक्ष्य कार्गो एकत्रीकरण, वितरण, इंटर मॉडल ट्रांसफर, शॉर्टिंग और रैपिंग सहित कुशल, लागत प्रभावी लॉजिस्टिक सेवाएं प्रदान करना है, और शुरुआती देरी, कनेक्टिविटी समस्याओं और निजी क्षेत्र की खराब प्रतिक्रिया के कारण ऐसा देखने को मिला। लेकिन हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट याद रखना होगा कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को कहाँ पे बनाने की योजना बनाई जा रही है? तो चेन्नई के मापेडू में। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में डॉक्टर शमीर बी कामत का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, उनका संबंध किससे है? तो राइट आंसर होगा डीआरडीओ से। डीआरडीओ से संबंध रखते हैं डॉक्टर शमीर बी कामत, और इनको 1 साल के लिए कार्यकाल इनका बढ़ाया गया। जानते हैं डिटेल पॉइंट्स की ओर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर शमीर बी कामत के लिए 1 साल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। डॉक्टर शमीर कामत 31 मई 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले थे, उनका कार्यकाल 31 मई 2025 तक बढ़ा दिया गया, और भारत सरकार ने रक्षा में सुधार के लिए पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय पैनल का गठन भी किया। अनुसंधान एवं विकास संगठन इसमें शामिल थे। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि डीआरडीओ के हाल ही में डॉक्टर शमीर बी कामत को उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप, जिसका नाम दिया गया प्रवाह। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 मई 2024 को 3 प्रमुख पहल शुरू की। प्रवाह पोर्टल सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार करने के लिए खुदरा निवेशकों के लिए 1 मोबाइल ऐप और 1 फिनटेक रिपोजिटरी। इन 3 पहलों को शुरुआत आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मुंबई महाराष्ट्र में की है। साथ ही साथ आरबीआई की इन 3 पहलों से आने वाले समय में खुदरा निवेशकों की बड़ी राहत मिलेगी, और केंद्रीय बैंक का यह कदम नियामक नियमों की मंजूरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने का और प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की भागीदारी को बढ़ावा देने का उद्देश्य से इसे उठाया गया। साथ ही साथ यह प्रभाव नियामक और अनुप्रयोग सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच तैयार कर दिया गया, और एक केंद्रित वेब आधारित पोर्टल है जो व्यक्तियों या संस्थाओं को रिजर्व बैंक से प्राधिकरण, लाइसेंस या नियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित मंच प्रदान भी करेगा। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया प्रवाह पोर्टल, अ मोबाइल ऐप फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू ट्रेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और एक फिनटेक रिपोजिटरी को आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 29 मई। 29 मई को हम लोग हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 2024 के रूप में इस वर्ष 29 मई को सेलिब्रेट किया, और हर वर्ष हम लोग 29 मई को ही सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। 29 मई को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 मनाया गया, और यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस पिछले 7 दशकों में सैन्य, पुलिस और नागरिक शांति सैनिकों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान को दर्शाता है। साथ ही साथ इस वर्ष की थीम क्या रखी गई इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स की? तो इस वर्ष 2024 की थीम है भविष्य के लिए उपयुक्त मिलकर बेहतर निर्माण करना, फिट फॉर द फ्यूचर टुगेदर बेटर कंस्ट्रक्शन। एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में प्रगति और सामूहिक कार्रवाई की भावना को शामिल करती है जो सभी के लिए अधिक न्याय संगत, उचित और टिकाऊ हो।
यह एक अधिक समान, न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया और सामूहिक कार्रवाई की भावना बनाने की दिशा में प्रगति को दर्शाता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हम लोग हर वर्ष 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, और इस वर्ष साल 2024 की थीम रखी गई फिट फॉर द फ्यूचर टुगेदर बेटर कंस्ट्रक्शन। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में NROL 146 मिशन के तहत अगली पीढ़ी के अमेरिकी जासूसी उपग्रहों को किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया नेक्स्ट जनरेशन यूएस स्पाई सैटेलाइट अंडर द NROL 146 मिशन के तहत। जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। स्पेस एक्स ने अमेरिकी सरकार के लिए जासूसी उपग्रहों का एक अग्रणी सेट को लॉन्च किया है और कैलिफोर्निया में ब्रैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस में एक फॉल्कन 9 रॉकेट ने राष्ट्रीय टोही कार्यालय के लिए NROL 146 मिशन को अंतरिक्ष में पहुंचाया, और यह मिशन एक नई अमेरिकी खुफिया नेटवर्क का हिस्सा बन चुकी है। इसे देश की अंतरिक्ष आधारित निगरानी शक्तियों को महत्वपूर्ण रूप से उन्नत करने के लिए डिजाइन किया गया है, और इस वर्ष कई और तैनाती की योजना भी बनाई जा रही है। साथ ही साथ NRO आमतौर पर अपने उपग्रहों की गतिविधियों और क्षमताओं के बारे में बहुत कम खुलासा करते हैं। लॉन्च के लगभग 6 मिनट बाद फॉल्कन 9 रॉकेट के पहले चरण ने अपना प्रवेश जलाना शुरू कर दिया, जो पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। तो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि स्पेस एक्स के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया यूएसए का स्पाई सैटेलाइट तो पूरी तरीके से यूएस गवर्नमेंट के वर्क पर करेगी। तो ये भी फैक्टर्स याद रखना होगा कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, तो एलोन मस्क की ये कंपनी है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज व्हाइट विट्रियोल। निम्नलिखित में से किसे व्हाइट विट्रियोल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जिंक सल्फेट, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी जिंक फॉस्फेट, या ऑप्शन डी जिंक ऑक्साइड। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कॉन्टेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद जय भारत दोस्तों।